दोस्तों आप सबको तो पता होगा न्यूक्लियर बम को न्यूक्लियर रिएक्शन से विस्फोट किया जाता है। ये रिएक्शन दो तरह के हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। यहाँ सवाल उठता है आखिर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर हो सकता है। दोस्तों ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहाँ एक तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिव एनर्जी वाले प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन चिपक कर रहता है, जिसको चिपक कर रखने में भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होता है। ये सब ऊर्जा न्यूक्लियस के बाहर मौजूद एक मजबूत बॉन्ड के अंदर है, जिसके वजह से ये प्रोटॉन्स एक दूसरे से जुड़कर रह सकते हैं। और जब इस बॉन्ड को किसी तरह तोड़ दिया जाता है तो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे से बहुत तेजी से अलग हो जाएंगे और अंदर मौजूद एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ज्यादातर न्यूक्लियर बम इसी टेक्निक पर काम करता है। इसकी ब्लास्टिंग एरिया सिर्फ 5 किलोमीटर तक होता है, पर इससे भारी मात्रा में रेडिएशन फैल जाता है। आप जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, यहाँ एटम्स को तोड़ने के बदले टूटे हुए एटम्स को जोड़ा जाता है। ये फ्यूजन सिर्फ छोटे एटम्स के साथ ही किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन।